हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में इफ एंड का लॉजिक के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहां पे दिख रहा है कि मैं यहां पे एक सिंपल सा डेटा तैयार करके रखा हूं। लॉजिक सेट करना है ये कि यहां पे जो डेटा है जिसका डेट ऑफ बर्थ में 18 साल से ज़्यादा है उसका वोट होना चाहिए और जिसका 18 साल से कम है उसका वोट नहीं होना चाहिए। मतलब 18 साल से इसका ज़्यादा है उसका वोट होना चाहिए। और दूसरा लॉजिक क्या है कि उसमें आधार भी होना ज़रूरी है, मतलब आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड सबके पास रहना चाहिए। और एज में क्या है कि 18 भी होना चाहिए और 18 से ज़्यादा भी होना चाहिए, मतलब जिसका 18 साल है वो भी वोट देगा, जिसका 18 साल से ज़्यादा है वो भी वोट देगा। और इस दोनों में कंपलसरी क्या है कि आधार होना ज़रूरी है, मतलब यस होना चाहिए आधार में दोनों में। तो ये लॉजिक कैसे बनेगा, तो यहाँ पे अभी हम कैसे एज को निकाले हैं डेट ऑफ बर्थ से, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा हम फार्मूला यूज़ किए हैं। फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू डेट इफ। डेट इफ देने के बाद हम लोग यहाँ पे उसका सेल एड्रेस डाले हैं अपने डेट ऑफ बर्थ का और उसके बाद कॉमा दिए हैं और टूडे का फार्मूला लगा दिए हैं और उसमें से हमको निकालना था ईयर। तो ईयर के लिए डबल इनवर्टेड कॉमा के अंडर में हम लोग वाई लिख दिए हैं, तो यहाँ पे ईयर निकल चुका है। तो इस प्रकार से आप एज निकाल सकते हैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ से। और अभी हमको यहाँ पे आधार जिसका यस है और 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है तो उसमें यहाँ पे हमको वोट शो कराना है और जिसमें कम है उसमें नॉट वोट, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सिंगल लॉजिक है तो इफ़ यूज करते हैं और यदि ज़्यादा लॉजिक है तो आप एंड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग इफ़ लगाएंगे। इफ़ लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एंड भी लगा लेना है। तो एंड भी हम लोग लगा लेते हैं और एंड लगाने के बाद यहाँ पे लॉजिक देंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एज वाले को जिसमें 16 लिखा हुआ है और ग्रेटर देन देंगे। ग्रेटर देन होगा कितना, 18, मतलब 18 से ज़्यादा होना चाहिए और साथ में 18 भी होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन दिए हैं वहाँ पे इज इक्वल टू भी देंगे। इज इक्वल टू देने के बाद कॉमा देंगे और दूसरा लॉजिक क्या है कि आधार वाले में भी क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो आधार वाले का सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे जो कि मेरा यहाँ पे है D2। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू देंगे और इसमें कंपलसरी क्या है, यस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यस लिख देंगे, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और क्लोज ब्रैकेट देंगे। दोनों लॉजिक मेरा यहाँ पे आ चुका है। क्या होना चाहिए, एज में 18 होना चाहिए या तो 18 से ज़्यादा होना चाहिए और आपका आधार में यस होना कंपलसरी है। उसके बाद कॉमा देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में लिखेंगे वोट और उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे और कॉमा देके लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में नॉट वोट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नॉट वोट। और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे और क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आंसर आ चुका है नॉट वोट। और इसी फॉर्मूला को हम लोग नीचे तक ड्रैग करेंगे, तो उसके लिए सबको सिलेक्ट करेंगे जहाँ से जहाँ तक निकालना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करिएगा सभी का यहाँ पे आंसर आ चुका है। जिसका 18 साल है और आधार में भी यस है वो क्या हो रहा है, वोट हो रहा है। और जिसका 18 साल है और आधार में नो है तो यहाँ पे नॉट वोट शो करा रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग इफ एंड का यूज किए और इस लॉजिक को तैयार किए। एक और यहाँ पे टिप्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है जो कि 12 डिजिट का है। हमको करना क्या है, इसको कोड फॉर्मेट में बनाना है, मतलब कि 12 डिजिट का जो आधार नंबर है इसका आगे का 4 डिजिट आना चाहिए और लास्ट का 4 डिजिट आना चाहिए और बीच में जो मिडिल में है इसमें हम लोग क्या शो कराएंगे, स्टार शो करा सकते हैं या तो हैशटैग या तो @। तो ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको यूज़ करना है यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला का। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट और यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लिखते हैं, जस्ट उसके बगल में लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग राइट। और राइट लिखने के बाद यदि आपको लेफ्ट से कुछ गिनती करना होता है या लिखना होता है तो इज इक्वल टू देंगे और यहाँ पे लेफ्ट फार्मूला लगाने के बाद आपको आधार का सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है और कॉमा देना है। जितना डिजिट आपको लेफ्ट से लिखना है उतना यहाँ पे नंबर डाल के इंटर करना है, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट से दिख जाएगा। उसके बाद आपको राइट से भी वही सेम काम करना है, तो यहाँ पे राइट फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू राइट और राइट लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा देना है और 4 डिजिट चाहिए था तो 4 डिजिट लिख दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि लास्ट से 4 डिजिट आ चुका है और फर्स्ट से 4 डिजिट आ चुका है। अब बीच में आपको जो भी लिखना है यहाँ पे आप बीच में लिख दीजिए। यहाँ पे हम ऊपर मिडिल लिख देते हैं और यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं हैशटैग, 4 बार हैशटैग लिख दिए।
अब यहाँ पे 12 डिजिट कंप्लीट हो चुका है और इसका यदि आपको सब कंप्लीट चाहिए तो लास्ट में यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कॉनकैटिनेट। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं कॉनकैटिनेट। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो है, उसके बाद कॉमा देंगे, सेकेंड सेलेक्ट करेंगे जो शो कराना है, उसके बाद लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। तो ये तीनों को ऐड करके एक नंबर तैयार कर देगा जो कि यहाँ पे कोड फॉर्मेट में है। तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। यदि सबका निकालना है तो अभी हम लोग सबका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सबका निकल चुका है, बट इसके लिए क्या करना होगा कि तीन यहाँ पे कॉलम हमको एक्स्ट्रा ऐड करवाना पड़ा, एक लेफ्ट राइट और एक मिड के लिए। तो इतना काम नहीं करना है हमको, एक ही फार्मूला में पूरा बनाना है। तो उसके लिए अभी हम लोग करेंगे क्या कि अभी सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। और यदि एक ही फार्मूला में पूरा काम करना है तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट, उसके बाद इसी में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे लेफ्ट, और लेफ्ट लिखने के बाद यहाँ पे हमको कितना डिजिट चाहिए था तो पहले यहाँ पे सेल एड्रेस डालेंगे और फिर कॉमा देके चार डिजिट लिख देंगे और क्लोज ब्रैकेट देंगे, फिर कॉमा देंगे। क्या शो कराना है बीच में, तो यहाँ पे अभी हम लोग को हैशटैग कराना है, तो हैशटैग यहाँ पे दे देंगे डबल इनवर्टेड कॉमा के अंडर में। उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा को बंद करेंगे और कॉमा देंगे। उसके बाद कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पे क्या लगेगा, राइट फार्मूला। तो राइट फार्मूला लगा लेते हैं और फिर से सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे फोर लिख करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और एक और ब्रैकेट बंद करेंगे कॉनकैटिनेट के लिए। यहाँ पे आप लोग फार्मूला ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉनकैटिनेट लेफ्ट से चार डिजिट, उसके बाद बीच में हैशटैग आएगा और राइट से चार डिजिट। उसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, एक फार्मूला में पूरा कोड वर्ड यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसके बाद इसी फार्मूला को हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सभी का निकल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सभी का निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप से सीखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे कोड फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद लेफ्ट फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देके यहाँ पे चार लिखेंगे, चार लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एंड लगाएंगे। तो एंड कैसे लगाएंगे, तो शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है 7 और उसके बाद मिडिल में आपको जो भी चाहिए यहाँ पे आप डबल इनवर्टेड कॉमा के अंडर में लिख दीजिए। तो यहाँ पे अभी हमको स्टार चाहिए था तो स्टार लिख देते हैं, उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा को बंद करेंगे और यहाँ पे फिर से एंड देंगे। एंड देने के बाद आपको राइट से चाहिए तो यहाँ पे हम लोग अभी राइट फार्मूला सेट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है और कॉमा देके लिखना है 4, क्लोज ब्रैकेट देना है और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोड फॉर्मेट आ चुका है। इस प्रकार से भी आप कोड फॉर्मेट को बना सकते हैं। एक और तरीका है जो कि है फ्लैश फिल, फ्लैश फिल की मदद से भी हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल जो भी आधार नंबर लिखा हुआ है वहाँ से देख करके सेम चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, आगे का चार डिजिट और बीच में आपको जो भी चाहिए वो आप लिख दीजिए, उसके बाद लास्ट से चार डिजिट लिख देना है जो भी है। तो यहाँ पे हम देख के लिख देते हैं और इंटर करेंगे। अभी सबका शो कराना है तो कीबोर्ड से नॉर्मल सिर्फ प्रेस करना है आपको कंट्रोल ई बटन। जैसे ही आप कंट्रोल ई बटन करिएगा सबका फॉर्मेट यहाँ पे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग इफ़ एंड का लॉजिक को तैयार करेंगे और कैसे कोड फॉर्मेट बनाते हैं चार तरीके से। पहला तरीका है कॉनकैटिनेट फार्मूला से, दूसरा तरीका था आपका लेफ्ट से, और तीसरा फ्लैश फिल से, और एक जो हम बताएं कॉनकैटिनेट के अंदर में हम लोग लेफ्ट राइट लगा के। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके इस काम को करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।